9 में क्या दिया है कि इफ x इज पॉजिटिव और x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 का वैल्यू 2207 दिया है तो पूछता है कि x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा। ये जो अपना x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 है इसको हम क्या लिख पाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 और इसी का वैल्यू है 2207। तो अगर हम आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलोगे 2209 जो कि 47 का स्क्वायर है, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर ये तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू 47 हमने ले लिया। फिर हम लिखेंगे x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू है 47। तो x प्लस 1 बाय x का जो होल स्क्वायर है ये अपना आ जाएगा 49 जिसको 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अभी यहाँ पे x प्लस 1 बाय x का वैल्यू 7 एंड माइनस 7 दोनों हो सकता था लेकिन x पॉजिटिव है इसलिए 7 लेना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने x प्लस 1 बाय x क्यों निकाला भाई, तो थोड़ा वेट कीजिए। अगर हम आपसे पूछे x क्यू प्लस 1 बाय x क्यू कितना होगा तो आपका आंसर आना चाहिए x प्लस 1 बाय x का होल क्यू माइनस 3ab, तो 3 फिर x प्लस 1 बाय x। 7 का क्यूब कितना होगा 343, इसमें से 21 माइनस करेंगे तो 322 हो जाएगा। अभी हमें तो चाहिए था x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि देखिए x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 को अगर हमने x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब से मल्टीप्लाई किया ना तो x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7 तो आएगा, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7 प्लस का x आ रहा है एंड 1 बाय x, तो x टू द पावर 7 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7 के लिए इसमें से हमें x प्लस 1 बाय x को माइनस कर लेना पड़ेगा। यही बात है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 का वैल्यू कितना था 2207, इसमें हमने क्या करना है 322 से मल्टीप्लाई करके और 7 को माइनस कर लेना है। अगर हम देखें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट तो 14 माइनस 7 तो मतलब कि 7 आ रहा है यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो 7 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो पूरा कैलकुलेशन ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको यह सॉल्यूशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सॉल्यूशन डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू।